दैनिक जनवाड़ी के बढ़ते कदम को देख आज मजरूह सुल्तानपुरी की दो पक्तियां बरबस याद आ गईं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वेस्ट यूपी में बागपत जिले की ऐतिहासिक धरती पर दैनिक जनवाड़ी ने शानदार 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस क्षण को विराट रूप देने के लिए दैनिक जनवाड़ी की तरफ से सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनवाड़ी के बढ़ते कारवां और निष्पक्षता को मौजूद अतिथियों ने सराहना की। बागपत जिले से भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि जनवाड़ी निडर और निष्पक्ष समाचार पत्र है, इसको और आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों को अवार्ड दिए गए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस परिवार के, जनवाड़ी परिवार के जिन लोग, जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ ये 12 वर्ष नहीं आपका कुंभ का मेला है। जैसे कुंभ का मेला हम लोग उससे मनाते हैं, ऐसा ही कुंभ का आपका मेला है। और कुंभ के मेले से जैसे लोग प्रेरणा लेकर के जाते हैं, अपने कुछ पाप धोके भी जाते हैं, कोई अच्छी बात सीख कर जाते हैं, ऐसा ही आपका 12वां स्थापना दिवस होना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि दैनिक जनवाणी एक सकारात्मक सोच है। ये सकारात्मक सोच क्या है? आदमी के व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में सभी जगह अपने को एक सकारात्मक सोच चाहिए। जिनके पास सकारात्मक सोच है वो स्वस्थ भी रहते हैं और समाज के लिए, अपने लिए अच्छा कुछ काम करते हैं। एडवर्टाइज में काम करने वाले लोग हैं, फोटोग्राफी करने वाले लोग हैं, हर एक की सोच यही होना चाहिए, मुझे जनवाणी को जो है इसका सबसे अच्छा जो है अखबार बनाना है। ऐसी सकारात्मक सोच है, मुझे लगता है ये आपका जो है कुंभ का मेला जो मना रहे हैं, इन ऐसे सकारात्मक सोच निश्चित रूप से देगा। मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं आप लोगों का, पूरे बाजवा परिवार का, जनवाणी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात में विराम देता हूँ, धन्यवाद। प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि गोडविन मीडिया समूह ने 12 वर्ष पहले जब दैनिक जनवाड़ी की शुरुआत की थी तब कई समाचार पत्रों के साथ प्रतिद्वंदिता थी। ऐसे दौर में भी दैनिक जनवाड़ी मजबूती के साथ डटा रहा। उन्होंने कहा कि गांव की दैनिक जनवाड़ी वो समाचार पत्र है जो गांव गांव तक पहुंच रखता है। आज के इस बार में इस स्थापना दिवस के अवसर पर भूपेंद्र सिंह बाजवा जी, जितेंद्र सिंह बाजवा जी, यशपाल सिंह जी, रामभूल तोमर जी, अमित पवार जी, नरेश तोमर जी, अपने पूर्व विधायक डॉक्टर अजय तोमर जी, कुलदीप उज्जवल जी, राजू बीन चेयरमैन साहब, सोमेंद्र ढाका जी और लोकदल के अपने जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह जी के साथ साथ बहुत ही बहुत सम्मान के काबिल मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, बुजुर्गों, सर्वप्रथम तो आज के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस आशा और विश्वास के साथ जो 12 साल में आपने शोहरत और नाम कमाया, आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर नाम कमाने का काम करोगे, ऐसी मेरी कामना है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां आपकी दौड़ में हम परिचय दिया वो तारीफ के काबिल है। मैं प्रशंसा करूंगा आपके समस्त परिवार की, इस स्टाफ की, जिसने कोरोना जैसे दौर में भी जब लोग अपनों से भी दूर भग रहे थे, बाप की डेड बॉडी बेटा नहीं लेना चाहता था, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिलना चाहते थे, उस दौर में भी
इस जनवाणी परिवार ने, भाजपा परिवार ने, समाज टीप ने इंसानियत का बहुत बड़ा एक नाम कमाया। इंसानियत के नाम पर अपने समस्त आसपास के लोगों के जरूरतमंद को दवाई देने का काम किया, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और समय के अनुसार उनको उचित स्थान तक ले जाने का काम किया। इसकी मैं बार बार प्रशंसा करता हूं। इसके साथ साथ जो आपने एक सही जो पत्रकार जो पेपर का फर्ज होता है वो भी निभाने का काम किया। मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और प्रिंट मीडिया की तो बहुत बड़ा फर्क है। आप सच्चाई की तरफदारी करते हो, यही वजह है आज सुबह ही सुबह कोई बुजुर्ग रिटायर और देहात का आदमी भी आपका अखबार लेकर बैठ जाया करता है और आसपास की सारी खबरों को जानकारी करता है। आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए और पुनः आपके समस्त परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद जय भारत। भाजपा विधायक योगेश धामा ने कहा कि निडरता और निष्पक्षता ही दैनिक जनवाणी की असली पहचान है। के 12वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में सभी मेरे सम्मानित महानुभाव, सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं, सभी भाइयों और पूरे जनवाणी परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये एक ऐसा जनवाणी अखबार है कि बहुत गांव देहात की छुपी से छुपी खबरें, छोटे से छोटी और बड़े से बड़े खबरें पूरी सच्चाई के साथ जो दिखाने का काम करता है और जो बताने का काम करता है। तो समाज को एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मजबूत करने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आप सबको फिर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। इस दौरान गोडविन मीडिया समूह के निदेशक भूपेंद्र सिंह बाजवा, जितेंद्र सिंह बाजवा ने भी तमाम आगंतुकों को बुके देकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन दैनिक जनवाणी समूह के संपादक यशपाल सिंह ने किया। 12वें स्थापना दिवस समारोह में गोडविन मीडिया हाउस और ग्रुप निदेशक भूपेंद्र सिंह बाजवा जी और जितेंद्र सिंह बाजवा जी की तरफ से हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। ये शाम, ये बेशकीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए शत शत आभार अभी आपका सभी का। कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी लोक गायिका रेणुका पंवार को बागपत गौरव अवार्ड और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और बहुत ज्यादा खुशी होती है, डबल खुशी होती है, क्योंकि देखिए हरियाणा राजस्थान इधर तो मैं शो करती रहती हूँ, पर जब अपने घर में, क्योंकि मैं इसको अपना घर ही मानती हूँ और मेरा घर ही है ये, तो मेरे घर में जब कोई फंक्शन बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का आशीर्वाद है कि मैं इस मुकाम पर हूँ और बस मैं आप सबसे यही कहूंगी, डीएम सर, सांसद जी, आप अपना आशीर्वाद भी बनाए रखे मेरे सर पर और मैं अपने बागपत का ऐसे ही नाम रोशन करती रहूँ। थैंक यू सांसद जी, विधायक जी और यहाँ जो भी गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में साझा होने के लिए। शुभेच्छा से बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ का स्टाफ हमारा मोस्टली स्टाफ 99% 12 साल पुराना, तो 12 साल से ही हमारा एक सफल भार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग इस 12 साल के मुकाम को पूरा कर पाए। और इस मीडिया जगत में 10-12 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, क्योंकि बहुत इस समय का जो युग चल रहा है वो सब चैनल का योग दूसरा हो पाया। और पुनः मैं आप लोगों का यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का कीमती समय जो यहाँ हमें मिला, ये भविष्य में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।